नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद रविवार को पहली बार पांडिचेरी पहुंचे। यहां मोदी ने आध्यात्मिक गुरु श्री अरबिंदो के आश्रम में उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद एक रैली में मोदी ने कहा कि यह दिव्य लोगों का शहर है। वहीं मोदी ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि एक परिवार ने देश पर 48 साल तक राज किया और पिछले 10 साल तो रिमोट कंट्रोल में सरकार चलाई। मोदी का कहना था कि हमारी सरकार के मई में 48 महीने पूरे होंगे और लोग विकास के लिहाज से इनकी 48 साल से तुलना करें, इसके बाद ही पता चलेगा कि लोगों ने क्या खोया। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए मोदी ने कहा कि हमारे पहले प्रधानमंत्री 17 साल तक सत्ता में रहे, फिर उनकी बेटी ने 14 साल सरकार चलाई और बाद में उनके बेटे 5 साल प्रधानमंत्री रहे। वहीं 2004 से 2014 तक एक परिवार ने रिमोट कंट्रोल के जरिए सरकार चलाई। मोदी 3 घंटे तक पांडिचेरी में रहे। उन्होंने अरबिंदो इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों से भी मुलाकात की।